नर्चर मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक भुवनेश्वर। नमस्कार, मुझे डॉक्टर GSS महापात्र, सीनियर गायनेकोलोजिस्ट एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन नर्चर क्लिनिक पटियारे एवं फाउंडर ओडिशा सेंटर फॉर लाइफ लैप्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी फाइब्रॉइड्स एंड एंडोमेट्रोसिस। आसतु आज कथा हबा तीनटा इम्पोर्टेंट टेस्ट जो थे कि आम कौन सी प्रेग्नेंट न कर कपल इनफर्टाइल कपल रे कारण धरी पार। लोक नॉर्मली जिते भी प्रेग्नेंसी रुहे नहीं से बहुत वरीड हो जाती जे आमको अभी के टेस्ट कराया पड़ो। इनफैक्ट बहुत जगह को गले बहुत टंकार टेस्ट लिखी भी दि जाए एवं बहुत प्रकार टेस्ट लिखा हुए। मत जदि पचारे आज तीन टी इम्पोर्टेंट टेस्ट कथा हाँ जो टेस्ट आम फट कर धरी पार जे मोरलेस दिस कुड बी दि प्रॉब्लम ऑफ दैट इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। सो वन है फर्स्ट आम जानवा दरकार जे प्रेग्नेंसी रुहे केमी हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो जो इंटरकोर्स हुए तो स्पर्म डिपोजिट हुए वेजाइनारे तापर से यूट्रस भितर को आसे गर्भाशय भितर को आसला ट्यूब्स भितर को स्पर्मटा पशे से पटर कौन हुए ओवरी रु एग रिलीज हो से एग आसी से ट्यूब्रे स्पर्म सहित तो मिसी फर्टिलाइजेशन हुए एवं तार से फर्टिलाइज एम्ब्रियो तापर बेबी फॉर्मेशन आकार निये यूट्रस भितर वापस आसिक। सो फॉर ए प्रेगनेंसी वी नीड फोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। वन गोटे गुड स्पर्म, टू गोटे गुड ओवरी जे कि एग रिलीज करथबो ऑन टाइम, थ्री गोटे भल यूट्रस जोटी की ट्यूमर फ्यूमर नथिबो एवं फोर हैला गोटे भल ट्यूब जोटी की फर्टिलाइजेशन हुए जोटी की स्पर्म आउ ओवम मीट करती एग आउ स्पर्म मीट करती। सो यही चारिटा जिनस जानवा लगी विषय जानवा लगी आमको मात्र तीनो टेस्ट दरकार। सो फर्स्ट है आम गोटे अल्ट्रासाउंड ए फॉलिकुलर स्टडी जदि आम करवा ऑन डे 8 मेन्सेस जदि आज है आज ठार 8 दिन पर गोटे फॉलिकुलर स्टडी करवा डे 8 को आम जापर जे से ओवरीज ठीक से फंक्शन करुच्ची कि नहीं एग रिलीज हो कि नहीं। सो एग जदि बढ़िया स्टार्ट है तो डे 8 रे इट विल बी वेरी ऑब्वियस। सो से एग आम से फॉलिकलटा को फर्दर फॉलोअप करी बाय रिपीटेड मॉनिटरिंग आम जापर से एग्टा फाइनाली जाकि डे 16 आड़ की रिलीज हो कि ना। सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है गोटे फॉलिकुलर स्टडी ऑन डे 8 जो थी कि आम यूट्रस भी जो ट्यूमर थी धरा पड़ जाए। सो यूट्रस ओवरीज विषय आम जाणीगले फॉलिकुलर स्टडी। सेकेंड ट्यूब्स आम ट्यूब्स केमी जापर ना गोटे सिंपल एक्सरे अच्छी कॉल्ड HSG हिस्टरोसाल्पिंगोग्राम से HSG पीपल डू सोनोसाल्पिंगोग्राफी अल्सो अल्ट्रासाउंड गाइडेड से माने ट्यूब्स भी एसेस कर दिखती। तो HSG इज ए वेरी कॉमन टेस्ट जोटा जुग जुग धरी रही आसी आम जदि HSG रे करवा जदि HSG गोटे टेस्ट करवा ऑन इन बिटवीन डे 6 टू डे 11 ऑफ मेन्सेस तेल बहुत थर कौन हुए ना आम पेशेंट को पठेचु फर डायग्नोसीस वेदर ट्यूब ब्लक अच्छी कि ना बट देखा जे से ट्यूब्स ओपन अप हो जाए जितेबाला आम ट्यूब्स रे डाई पुश करू। सो पेशेंट को पठाई देला डायग्नोस्टिक पर्पज लगी बट ट्रीटमेंट हो गला पेशेंट। तो पेशेंट सो मोटो कनसीव कर जाती इन दि वेरी नेक्स्ट साइकल से ही साइकल बा नेक्स्ट कंजिक्यूटिव साइकल रे जदि ट्यूबल ब्लक थिला। तो ट्यूबल ब्लक जदि जनकर अच्छी एम HSG करिले हे पारे से ट्यूब्स जाक ब्लक खोली भी जाई पारे। सो द सेकंड इंपोर्टेंट टेस्ट इज HSG आउ थर्ड हैला सीमेन एनालिसिस। जदि हस्बैंड सीमेंटा को आम एनालिसिस करिबा तार स्पर्म काउंट केते अच्छी तार मोटिलिटी केते अच्छी तार DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स केते अच्छी तार एबनॉर्मल फॉर्म्स केते अच्छी नॉर्मल फॉर्म्स केते अच्छी तो 3-5 दिन रिलेशनशिप न रखी जदि गोटे हस्बैंड सीमेन एनालिसिस देबे ताहेले आम से काउंट रु तार टोटल एनालिसिस रु आम जानपर जे वेदर स्पर्म्स आर दि कल्प्रिट अर नॉट। सो एते प्रकार टेस्ट न करी ओनली 3 टेस्ट गोटे फॉलिकुलर स्टडी ऑन डे 8 गोटे HSG इन बिटवीन डे 6 टू डे 11 एवं गोटे सीमेन एनालिसिस विथ 3-5 डेज ऑफ एब्सटिनेंस रे आमे ए कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी को पिन पॉइंट करिबारे बहुत हद तक आमे सक्सेसफुल हो पारिबा। सो दिस इज द टेक होम मेसेज जे केबे भावंतु नहीं आम बहुत हजार प्रकार टंकार टेस्ट बा हजार प्रकार टेस्ट दरकार दिस 3 कैन गिव अस ए वेरी फेयर आइडिया कहीं गोटे कपल प्रेग्नेंट हो पारु ना। दर्शक बंधु बिना अपॉइंटमेंट रे सब रोग रो सफल उपचार जानिबा पई हेले एबे ही सब्सक्राइब करंतु हमर YouTube चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ
आउ बेल आइकन क्लिक कला फळरे आपण हेल्थ रिलेटेड वीडियो सहित रहिबे अपडेट।